अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे स्पार्क फोर्ज चार्जिंग सेव का फॉल्ट का हल। ये हमारे पास है स्पार्क फोर्ज, ये बैटरी इसकी है 18% चार्ज है अभी, तो इसको हम अभी आपको चार्जिंग लगा के चेक करवाते हैं कि ये कितने मिनट में कितने परसेंट करता है। ये देखें, ये हमने इसको चार्जिंग पे लगा दिया तो ये चार्जिंग का साइन, ये देखें गौर से देख लें इसको कि ये 18% है और चार्जिंग शो कर रहा है। और टाइम देख लें, 1:34 हैं मोबाइल के मुताबिक। तो अब हम इसको कुछ मिनट के लिए लगा के देखते हैं चार्जिंग पे, तो उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि ये कितने परसेंट जो है हमारा मोबाइल जो है वो कितने मिनट में कितने परसेंट हुआ। अब 1:34 हो गए, तो कुछ देर के बाद देखते हैं दोस्तों। अभी हम इसको दोबारा चेक करते हैं, ये देखें हमारा टाइम है 1:42 और चार्जिंग इसने कितने परसेंट की है, 1:42 हो गए हैं और चार्जिंग है 19%, यानी कि 1% चार्जिंग बढ़ी है। और मिनट्स जो थे वो 1:34 पे लगाया था गालबन, और इसने 8 मिनट में 1% किया। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब हम आपको बताएंगे कि हमने इसको क्या कर रहे हैं और ये कैसे हमारा मोबाइल जो है वो चार्जिंग फास्ट करेगा। तो अब हम इसको ऑफ़ कर लेंगे, ऑफ़ करने के बाद इसको खोल के फिर हम आपको बताते हैं। ये हमने इसकी चार्जिंग स्ट्रिप अब निकाल ली है, अब हम चार्जिंग बेस इसकी रिप्लेस करेंगे। ये इसकी चार्जिंग बेस जो है इसके अंदर से पॉइंट जो हैं वो वीक हो चुके हैं, तो अब हम इसकी चार्जिंग बेस को रिप्लेस करेंगे हीट गन की मदद से। इसको पहले हम रिमूव करेंगे पहले वाली चार्जिंग बेस को, तो ये बहुत ही आसानी के साथ ये हमारी बेस जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो इस बेस को उतारने के बाद हमने इसकी जो इसके जो पॉइंट हैं वो अच्छी तरह, ये देखिए ये हमने इसकी पहले वाली चार्जिंग बेस उतार ली, अब जो इसके चार्जिंग बेस के पॉइंट हैं इसको हमने अच्छी तरह काविया से सोल्व कर लेना, अच्छी तरह इसको पहले वाला सोल्डर जो है वो इसका हमने साफ कर लेना। ये देखेंगे दोस्तों इसका सोल्डर जो पहले लगा हुआ है वो आपने अच्छी तरह इसका बिल्कुल रिमूव कर देना है। ये देखें, ये हमने इसका सोल्डर जो है पहले वाला बिल्कुल रिमूव कर दिया। अब इसकी जगह पे हमने जो है नई बेस रिप्लेस करनी है, तो नई बेस जो है ये देखें, ये बेस इसकी चार्जिंग बेस आपने बिल्कुल लो क्वालिटी या लोकल वाली नहीं लेनी, जो चार्जिंग बेस है वो अच्छी होनी चाहिए,
अच्छी क्वालिटी की बेस होगी तो फिर ही आपका मोबाइल जो है वो फास्ट चार्ज करेगा, जो है कम टाइम में ज़्यादा चार्जिंग बढ़ाएगा। अगर आपने बेस बिल्कुल आम लगा दी तो फिर भी वो चार्जिंग आपका चार्जिंग का फॉल्ट जो है वो आपका स्लो वाला वो आपका हल नहीं होगा। वो आपका तभी हल होगा अगर आपने जो है अच्छी बेस लगाई। तो अब हमें इस पर जो है इसके लिए हमने ये नई बेस जो है वो निकाली है, ये हमें आप रिप्लेस करेंगे। ये अब हम इसको हम लगाएंगे। इसको लगाने का तरीका आपको बताते हैं कि इसको आपने जस्ट सिर्फ साइडों वाले पॉइंट जो है वो सोल्ड करके नहीं लगा देना। उसके इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपने इसके जो है चार्जिंग बेस के जो बैक साइड वाले पॉइंट है इसको चार्जिंग की मदद से अच्छी तरह सोल्ड कर देना। दोनों साइडों से आपने इसको सोल्ड करना है। दोनों साइडों से सोल्ड करके लगाएंगे तो फिर आपका मोबाइल जो है चार्जिंग चार्ज करेगा। बस दो सेशन रखने के लिए इसको वैसे ही सोल किए बगैर वैसे ही उसके ऊपर रखा और साइडों वाले जो है चारों सोल कर दिया है। उनको सोल किया, सोल करने के बाद आप उसको तो जो नीचे वाले पॉइंट जो है वो मिस रहते हैं, इस वजह से वो सही चार्ज नहीं होता। ये देखिए अब हमने इसके जो बोर्ड के पॉइंट थे उनको भी दोबारा सोल्ड किया, उन पे भी शोल्डर दोबारा लगाया। लगाने के बाद अब हमने हीट गन का इस्तेमाल नहीं करना, हमने इसको काविये की मदद से ही बिल्कुल इजीली इसको हमने इसके ऊपर पेस्ट कर लेना है। इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हमें हीट गन की ज़रूरत है, क्योंकि ये बोर्ड भी बिल्कुल जो है छोटा सा है, इसका सर्किट जो चार्जिंग वाला है तो काविये की मदद से बड़ी आसानी के साथ लग जाएगा।
ये अब हमने इसको ऑन करके चार्जिंग पे लगा के फिर दोबारा से चेक करेंगे। ये हमने इसकी चार्जिंग पोर्ट जो है वो रिप्लेस कर दी है। तो रिप्लेस करने के बाद अब हमने इसको ऑन करके, क्योंकि हमने पहले भी इसको ऑन हालत में ही चेक किया था चार्जिंग पे लगा के, ये कितने मिनट में कितने परसेंट किया, वो हमने लगाया था गालबन 8%, 8 मिनट लगाया था और 1% बड़ी थी। और अब जो है टाइम शो हो रहा है 1:53 है और चार्जिंग जो है 19% पे हमने छोड़ी थी, तो अब भी 19% ही है। तो अब हम इसको फिर कोई 8-10 मिनट लगा के देखते हैं, तो उसके बाद देखेंगे कि इसके ने कितने परसेंट जो है चार्जिंग हमारी बढ़ाई है। तो अब हम इसको कुछ देर के लिए चार्जिंग पे लगा के इसको छोड़ देते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। ये दोस्तों अब हमने इसको लगाए हुए काफ़ी देर गुजर चुकी है। ये देखें, ये अब हमारा मोबाइल जो है वो 27% चार्ज हो चुका है और 2:05 हैं। तो ये अब इसने तकरीबन 8% इसने चार्ज किया है 12 मिनट में। तो इससे ये वाजे हो गया कि ये हमारा मोबाइल जो है बिल्कुल ओके हो गया। दोस्तों सबसे पहले आपने चार्जिंग पोर्ट चेंज करने से पहले आपने इसके चार्जर को वेरीफाई करना है कि इसके चार्जर और डाटा केबल में तो इशू नहीं है, क्योंकि ये टेक्नो के मोबाइल जो हैं जितने भी हैं अक्सर इनमें चार्जर का इशू आता है कि इसका अपना चार्जर ना इस्तेमाल करें, दूसरा कोई मुतबादल चार्जर इस्तेमाल करें, तो उसकी वजह से भी ये चार्जिंग स्टोर नहीं करते। सबसे पहले इसका अपना चार्जर इस्तेमाल करें, अगर वो नहीं है तो फिर आप कोई भी अच्छी कंपनी का चार्जर जो है वो इस्तेमाल करें, अगर उसके बावजूद भी इशू आता है तो फिर आपको चार्जिंग पोर्ट को चेंज करना होगा। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, कमेंट करें।